आज एक अलग से डेबिट और क्रेडिट के रूल का चर्चा कर रहे हैं, जहाँ पर आधुनिक विधि के अनुसार हम सभी लोग जानते हैं डेबिट और क्रेडिट का रूल, और परंपरागत विधि ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच, दोनों में रूल्स दिया गया है डेबिट और क्रेडिट का। बट यहाँ पर हम लोग समझेंगे, कुछ ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है इस रूल को, लेकिन थोड़ा सा फनी बात है यहाँ पर। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वैसे जैसे हम एंट्री पास करते हैं, तो चलिए बिजनेस स्टार्ट करने का एंट्री बनता है बिजनेस स्टार्टेड। मान लो कैश लगा कर बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या एंट्री बनता है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यही एंट्री बनता है। तो अब ये मान कर चलो आप कि ये डेबिट क्रेडिट क्यों हुआ, ये तो जो भी रूल है जिसके हिसाब से ये डेबिट क्रेडिट हो रहा है, गोल्डन रूल्स है उसके हिसाब से हो रहा है, या मॉडर्न अप्रोच का रूल है, अमेरिकन रूल्स है उसके हिसाब से ये डेबिट एंड क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम समझेंगे, मान के चलिए आप कि भाई आत्मा जो है, आत्मा मरती है क्या? नहीं, आत्मा नहीं मरती है। आत्मा मरती है? नहीं, नहीं मरती है। और शरीर मर जाता है? नहीं। तो अकाउंट्स में बिल्कुल वैसे ही होता है। यहाँ पर आत्मा का नाम आप मान लीजिए, आत्मा दो है यहाँ पर, मान लीजिए एक डेबिट है एक क्रेडिट है। ये जिस तरह से मनुष्य का जन्म होता है, इंसान का जन्म होता है, और भी जीव जंतुओं का जन्म होता है, उसी तरह से यहाँ पर अकाउंट्स का भी जन्म होता है। देखिए, जैसे कैश अकाउंट का जन्म हुआ है, क्या होकर हुआ है? कैश अकाउंट डेबिट होकर आया है। और कैपिटल अकाउंट का जन्म क्रेडिट होकर हुआ है। और इस सबको एक दिन मरना है। yes. मरना है, तो आत्मा नहीं मरती है, डेबिट और क्रेडिट ये नहीं मरेगा, शरीर का त्याग हो जाएगा। तो कैसे होगा जरा देखते हैं। कैश अकाउंट डेबिट मान लीजिए 10,000, 10,000 रुपया। चलिए, आज जन्म हो चुका है इस अकाउंट का। yes. कितने अकाउंट का जन्म हुआ है? कॉमर्स की दुनिया में दो अकाउंट का जन्म हो गया, ठीक है। ज़्यादा सीरियसली मत लेना, क्योंकि जो हम जानते हो कि क्या है ये रूल्स, किस क्यों हो रहा है डेबिट क्रेडिट, ये तुम पहले से जानते हो। थोड़ा सा मैंने कुछ अलग तरीके से बताने की कोशिश किया। अब हमने परचेज़ किया, ये जो कैश है 10,000 रुपये बिजनेस में आ चुका है, तो इससे हमने परचेज़ किया, तो परचेज़ हमने डेबिट कर दिया क्योंकि एक्सपेंस डेबिट होता है टू कैश। अब देखिए, इसमें से 7,000 रुपया जो है, 7,000 का हमने परचेज कर लिया है। अब बताओ, यहाँ पर आत्मा जो है ये नहीं मरती है ना, तो ये सिर्फ शरीर बदलती है। आत्मा क्या करती है? शरीर बदलती है। लुकास पेसियोली भगवान कृष्ण भगवान के चेले थे, हैं तो यहाँ पर आत्मा जो है सो शरीर बदलती है। तो यहाँ पर आप देखिए, कुछ कैश जो है सो यहाँ पर ये जो शरीर है, कैश नाम का जो शरीर है, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया है, यानी क्रेडिट हो गया है, कम हो गया है। तो अकाउंट में जो मृत्यु को, अकाउंट मृत्यु को प्राप्त हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये कम हो गया, यानी क्लोज हो गया। 7,000 रुपये से अकाउंट बंद हो गया है, कि कौन सा अकाउंट? कैश अकाउंट। लेकिन 7,000 से बंद हुआ है, अभी भी 3,000 से जिंदा है, समझ रहे हैं। तो ये किस शरीर को धारण कर लिया? एक आत्मा क्या करती है, एक शरीर का त्याग करके दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। आत्मा क्या करती है, एक शरीर को त्याग करके। हाँ, तो यहाँ पर 7,000 से ये शरीर का त्याग हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, डेबिट से क्रेडिट हो रहा है, और किस शरीर को धारण कर रही है? परचेज नाम के शरीर को धारण कर रही है, परचेज नाम के शरीर को धारण कर रही है। उसके बाद फिर वही गुड्स जो हमने खरीदा है, अब समझिए, वर्ष के अंत में फिर क्या करते हैं हम लोग, परचेज करते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है, परचेज अकाउंट में आ गया। अब इसी अकाउंट को फिर देखिए, वर्ष के अंत में क्या करते हैं हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज अकाउंट को ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि जितने भी एक्सपेंस है वो किस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये हम एज़ पर गोल्डन रूल्स या मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से ये एंट्री हम करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरह से ये मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ परचेज अकाउंट में पहले क्या हुआ, शरीर को धारण कर लिया दूसरे शरीर को। yes. अब इस शरीर का त्याग करके ये मृत्यु को प्राप्त हो गया, डेबिट से अब ये क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, और नए शरीर को धारण कर लिया। वो कौन सा शरीर है भाई? ट्रेडिंग अकाउंट। तो आत्मा क्या करती है, शरीर बदलती है। देख रहे हो, डेबिट पहले हुआ था, तो ये डेबिट आत्मा है, अब यहाँ आया, फिर डेबिट हो गया दूसरे शरीर में आकर, फिर यहाँ पर आ गया, अब फिर ये ख़त्म परचेज अकाउंट, अब फिर तीसरे शरीर को धारण कर लिया, फिर डेबिट हो गया। तो आत्मा अमर है, पहले भी डेबिट था, अब भी डेबिट है, और अब भी डेबिट है।
आत्मा मरेगी क्या? वो डेबिट होकर जन्म हुआ है, वो डेबिट ही रहेगा, वो नहीं क्रेडिट होगा। और जब क्रेडिट हो रहा है तो शरीर हो रहा है। यहाँ कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया, परचेज में चला गया। अब परचेज का त्याग करके वो किस में आ गया? ट्रेडिंग में आ गया। अब समझिएगा, अब दूसरे तरफ हम सेल की भी बात कर लेते हैं थोड़ा। अब जैसे जो भी गुड्स आपने खरीदा उसको सेल आप करेंगे तो क्या एंट्री बनाते हैं? डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर डेबिट टू सेल्स। मान लीजिए कि आपने 8000 का सेल कर दिया। ये आपको मालूम है कि कौन सा रूल लगा इस पर? इनकम क्रेडिट, समझ रहे हैं ना। गुड्स पाने वाला है डेटर, तो पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर। खैर, तो ये देखिए, डेटर डेटर का जो जन्म हुआ है, इस अकाउंट्स का जो जन्म हुआ है, वो क्या करके हुआ है? डेबिट करके हुआ है। और ये जो इनकम अकाउंट का जन्म हुआ है, वो किससे हुआ है? क्रेडिट होकर हुआ है। अब देखिए, मृत्यु को प्राप्त होगा तो ठीक उल्टा होगा, शमशान घाट में जाएगा अभी। अब डेटर हमें पैसा दे देगा, डेटर पैसा देगा तो हम डेटर को क्रेडिट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। टू डेटर अकाउंट देने वाला क्रेडिट होता है। तो चलिए, ये मृत्यु को प्राप्त हो गया, यानी डेटर अकाउंट बंद हो गया। मृत्यु को प्राप्त होने का मतलब ये डेटर अकाउंट 8000 से बंद हो गया। तो अब डेटर जो डेबिट था, जिसका जन्म हुआ था, अब वो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। इसके बदले किसका जन्म हो जाएगा? पैसा आ गया, पैसा आ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। फिर से वही देखिए, डेटर डेबिट था, अभी भी डेबिट है, लेकिन किसी दूसरे शरीर में। किस शरीर में? तो फिर वापस ये किस में आ गया? कैश में। तो डेटर ने शरीर का त्याग कर दिया, डेबिट से आप देख रहे हैं यहाँ पर क्रेडिट हो चुका है। ठीक है, इसको तुम अपना गोल्डन रूल मत बना लेना, हो सके तो इसको भगवान कृष्ण का डायमंड रूल बना लेना। आत्मा नहीं मरती है, ठीक है, डायमंड रूल बन गया। तो यहाँ से ये डेबिट है और ये हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। तो ये शरीर जो है डेटर नाम का, ये मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, ठीक है। और लेकिन ये डेबिट था, अब ये इस शरीर को त्याग करके, डेटर नाम के शरीर का त्याग कर दिया और नए शरीर को धारण कर लिया। तो आत्मा क्या करता है? नए पुराने शरीर का त्याग करके नए शरीर का को धारण कर लेता है। तो कैश को फिर धारण कर लिया, ठीक। अब जरा इस शरीर की बात करते हैं। अभी जो इनकम का जन्म हुआ है, वो क्या होकर हुआ है? क्रेडिट होकर हुआ है। तो इसका आत्मा क्रेडिट है कि नहीं? अब ये आत्मा जो है सो शरीर बदलेगी। अब सेल अकाउंट की भी मृत्यु हो जाएगी, सेल अकाउंट भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, ये शरीर भी मर जाएगा। सब मोह माया है और कुछ नहीं। सेल अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा? 8000 से डेबिट कर दो। और सेल अकाउंट को भी ट्रांसफ़र कर दो कहाँ पर? ट्रेडिंग अकाउंट में। मान लो 7000 के गुड्स को कितने में बेचा? 8000 में। 7000 के गुड्स को 8000 में बेच दिया। तो देखो, फिर सेल अकाउंट क्रेडिट होकर जन्म हुआ था और उसकी मृत्यु को प्राप्त हो गया, डेबिट हो गया। तो शरीर का त्याग कर दिया और कौन से शरीर को फिर धारण कर लिया? ट्रेडिंग को। मैंने कहा था जन्म हुआ था सेल अकाउंट का क्रेडिट होकर, और अभी भी वो आत्मा जो क्रेडिट नाम की आत्मा है, वो अभी भी ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट किया, यानी जिस शरीर में जाएगा उस शरीर को क्रेडिट कर दिया। यानी ये क्रेडिट होकर जन्म हुआ था, ये जिस शरीर में जाएगा उसको क्या कर देगा? हाँ, तो आत्मा सिर्फ शरीर बदल रही है। अभी शरीर किस शरीर में है? ट्रेडिंग अकाउंट के शरीर में है। अब देखना कहाँ कहाँ जाएगा ये। तो चलिए, खर्चा का भी खाता यहाँ हमने बंद किया, परचेज अकाउंट, और इनकम का भी खाता बंद किया। 7000 के गुड्स को 8000 में बेच दिया, अभी भी कितने के लागत का गुड्स बचा हुआ है? 3000 के लागत का गुड्स बचा हुआ है। अब देखें क्लोजिंग स्टॉक। अब थोड़ा बीच बीच में कुछ वर्किंग्स नोट भी आने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बस ऐसे ही ये आत्मा और शरीर की बात समझा रहा हूँ कि अकाउंट्स उस पर किस तरह से काम करता है। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं, फिर बीच में कुछ वर्किंग्स छोड़ रहा हूँ। अब जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो ट्रेडिंग अकाउंट बनता है उसमें एक तरफ एक्सपेंस रहता है और एक तरफ इनकम। आपने क्या किया था? परचेज को ट्रांसफ़र किया था। तो यहाँ पर परचेज आ जाएगा कितने रुपए से? 7000 से। और इधर क्रेडिट साइड में सेल आ जाएगा, सेल कितने रुपए से? 8000 से। और यहाँ पर आपका क्लोजिंग स्टॉक बच गया है, बोला था ना स्टॉक जो कुछ अनसोल्ड रह गया है, वो कितने से रह गया है? 3000 से रह गया है। तो अब बताओ, 8 और 3 11 7000 के गुड्स को कितने में बेचा था? 8000 में। तो यहाँ पर है 8 और 3 11। मान लीजिए कि क्लोजिंग नहीं है, इसलिए मैं वर्किंग नहीं दिखाना, पहले से क्लोजिंग नहीं है। वैसे रहता है ट्रेडिंग अकाउंट में, क्लोजिंग स्टॉक हो भी सकता है और
ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक नहीं भी हो सकता है। अगर मैंने मान लीजिए सारा का सारा गुड्स बेच दिया, 7000 का गुड्स खरीदा था ना, सारा का सारा बेच दिया 8 में, तो हमें प्रॉफिट कितना हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया, 1000। तो देखिए 8000 टोटल और 8000 टोटल दोनों साइड कर दिया हमने। अब बताइए आप यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट का कौन सा बैलेंस आ गया, क्रेडिट बैलेंस। हाँ, ये अकाउंट्स के जो लीजेंड होंगे वही समझ पाएंगे, जिनको अकाउंट्स पे पकड़ होगा वही इस बात को समझ पाएंगे, वरना और सब लोग समझते ही रह जाएंगे कि क्या कह रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस हो गया ट्रेडिंग अकाउंट का कितने रुपये से, 1000 रुपये से। अब देखिएगा फिर से, इस ट्रेडिंग अकाउंट को धारण कर लिया था ना, इस शरीर को धारण कर लिया था क्रेडिट होकर, क्रेडिट आत्मा था ना सेल्स का, वो ट्रांसफ़र हो गया किस में, ट्रेडिंग में। अब देखिए ट्रेडिंग अकाउंट को भी ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो गया था। अब यहाँ से इसको क्या कर दीजिए, मृत्यु को प्राप्त करवा दीजिए इसको, चलिए राम नाम सत्य। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू, अब फिर ये क्रेडिट कर देगा, जिस शरीर को धारण करेगा उस शरीर को ये क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, ये बंद हो गया, पीएल अकाउंट में चला गया। अब पीएल अकाउंट अब में जाएगा, सिर्फ यही नहीं जा रहा है, आप इधर भी देखिए, यहाँ खर्चा है आपका, ठीक है ना, ये भी ट्रेडिंग में गया था। अब पीएल में आपका कोई आमदनी दिखाते हैं, इनडायरेक्ट इनकम दिखाते हैं, इनडायरेक्ट खर्चा दिखाते हैं पीएल में, तो पीएल में सिर्फ यहाँ पर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट कितने से आया है, 1000 रुपये से, क्योंकि हमने ट्रेडिंग अकाउंट को बंद करके कितना ट्रांसफ़र किया है, 1000 रुपये, तो ग्रॉस प्रॉफिट 1000 है। और इसको ट्रांसफ़र करेंगे, इधर तो कुछ भी नहीं है खर्चा पीएल वाला, तो पूरा का पूरा नेट प्रॉफिट बच जाएगा कितने रुपये से, 1000 से नेट प्रॉफिट बच जाएगा। और ये नेट प्रॉफिट हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं बताइए, ये नेट प्रॉफिट हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल अकाउंट में। प्रॉफिट पर अधिकार किसका होता है, मालिक का, तो हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। अब बताइए पीएल अकाउंट का क्रेडिट साइड ज़्यादा था, इसका मतलब पीएल अकाउंट का कौन सा बैलेंस था, क्रेडिट बैलेंस, तो हम अब इस शरीर को भी मृत्यु को प्राप्त करवा देंगे, तो पीएल अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट। कितने रुपए से पीएल डेबिट होगा, 1000 से। देखिए पीएल क्रेडिट था ना, इस शरीर का त्याग हो गया, डेबिट हो गया, हो गया ना। अब नए शरीर को ये धारण कर ले गया, वो शरीर कौन सा था, कैपिटल अकाउंट, 1000। तो वापस फिर इसको क्या कर दिया गया, क्रेडिट ही करके रह गया। तो आत्मा अमर है, वो नहीं मरती है, आप इस क्रेडिट को नहीं मार सकते हैं, ये जिस शरीर में जाएगा उसको क्रेडिट करके जाएगा, यानी जिस भी अकाउंट का जन्म होगा और वो आत्मा उसी को क्रेडिट कर जाएगा, डेबिट वाला डेबिट करते जाएगा, क्रेडिट वाला जिस अकाउंट में जाएगा उसको क्रेडिट करते जाएगा, शरीर खाली बदलते जा रहा है, आत्मा का काम है। तो डेबिट फिर हो जाएगा क्रेडिट, फिर डेबिट फिर क्रेडिट, ये चलता जाएगा, ये आत्मा है, ये शरीर बदलता जाएगा। इसमें बहुत सारे अकाउंट्स आपका आ गए, देखिए आपका आ गया यहाँ पर कैश अकाउंट, पहले डेबिट हो गया, ये शरीर का नाम था कैश अकाउंट, आत्मा था डेबिट, फिर ये कैश अकाउंट क्लोज हो गया यहाँ पर 7000 से, और यहाँ पर परचेज अकाउंट कर दिया डेबिट, शरीर बदल गया, आत्मा पहले भी डेबिट था, ये अभी भी डेबिट है, फिर परचेज यहाँ पर बंद हो गया, शरीर ख़त्म, अब फिर ये दूसरे अकाउंट को कर दिया डेबिट। उसी तरह ये इनकम का था, इनकम था यहाँ पर क्रेडिट, और इस क्रेडिट को फिर कर दिए हम इस अकाउंट को, सेल्स अकाउंट को फिर कर दिए यहाँ पर डेबिट। देखिए सेल्स अकाउंट को यहाँ पर हम फिर कर दिए डेबिट, यानी ये फिर आत्मा क्या हुआ, मर गया यहाँ पर शरीर, आत्मा नहीं मरा, तो ये क्रेडिट से डेबिट होकर सेल्स अकाउंट तो बंद हो गया, लेकिन जिस अकाउंट में गया उसको क्रेडिट कर दिया, है कि नहीं। ये प्रोसेस चलता गया आगे तक, फिर आ गया ये ट्रेडिंग अकाउंट में, और ट्रेडिंग अकाउंट फिर ओपन हो गया था जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट आया था, तो ट्रेडिंग अकाउंट को फिर यहाँ पर मृत्यु को प्राप्त हो गया, क्रेडिट से डेबिट कर दिया, और ये फिर क्रेडिट कर दिया किसको, पीएल को। अब पीएल फिर मृत्यु को प्राप्त हो गया, शरीर बदलते जा रहा है, और फिर ये कहाँ ट्रांसफ़र हो गया, कैपिटल अकाउंट में। तो आत्मा अमर है कि नहीं, ये मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, शरीर बदलते जा रहा है। तो इस तरह से कुछ आत्मा और शरीर की कहानी, ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है, आप चलेंगे गोल्डन रूल्स के हिसाब से ही, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से ही, क्योंकि कुछ बातें ऐसी थी, फनी बात थी ये, भगवान कृष्ण की कृपा से। जय श्री कृष्णा।